नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से, जहां राजधानी लखनऊ में सीएम योगी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में सीएम योगी ने गौवंशों और गौशालाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और संग्रह स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि गौवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। योजना के पात्र लोगों को इसका लाभ जरूर मिलना चाहिए और गौवंश संरक्षण स्थलों पर केयर टेकर तैनात किए जाए। गायों को समय समय पर घुमाने भी ले जाना चाहिए। तो गौवंशों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है एक तरफ बैठक की है, तो तमाम दिशा निर्देश भी देते हुए ये कहा कि कभी कभी गौवंशों को बाहर या गायों को भी बाहर घुमाने लेके जाना चाहिए। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रयागराज के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने बेली अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्था के लिए कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही निरीक्षण के दौरान अस्पताल में भर्ती मरीजों से उन्होंने बातचीत भी की। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल चलो अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। बेली हॉस्पिटल में देखिए सफाई को लेकर के हमने बार बार कहा है और कुछ सफाई को लेकर त्रुटियां मिली हैं। हमने आज एक दिन का पूरा आउटसोर्सिंग एजेंसी का जो पारिश्रमिक होता उसको काटने का निर्देश दिया। उसको आज कोई बिल का भुगतान नहीं होगा और पूरे अस्पताल में अभियान चला करके एक एक बिंदु की सफाई करें और जो फर्श टूटी है और या तार बिजली के तार उलझे हैं सब कुछ प्रॉपर करें। और सीएमएस से सीएमओ को कहा है तत्काल इसके लिए काम करें। तमाम शिकायतें हैं कि नहीं कोई दवाई एक टिकिया भी बाजार से नहीं लिखी जाएगी। कल बहुत सख्त हिदायत दी है और इसको हम खुद मॉनिटर करें। पेशेंट से मिले? हाँ, कई पेशेंट से मिले। अच्छा, आप जब भी आते हैं बेली हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं? जी। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सेक्टर 22 इंदौर स्टेडियम का परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लोकार्पण किया। करीब 3 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ 42 लाख की लागत लगाकर बिछाई गई पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया गया। अब गर्मी में लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। वही शहरवासी भी सुविधा मिलने से अब खुश नजर आ रहे हैं। उसमें 2 करोड़ 74 लाख की लागत से इंडोर स्टेडियम का आज इसका उद्घाटन किया है और 42 लाख की लागत से जो पानी की लाइन 22-23 के जो इलाके पानी जाता है दूसरी कॉलोनी में उसके पानी की आज हमने शुरुआत की है कि पानी सारे लोगों को मिलेगा। पानी की जो आने वाले गर्मी में वो समस्या खत्म होगी। तो सर क्या क्या योजनाएँ और भी हैं आपकी इधर 22 सेक्टर 23 सेक्टर की तरफ? जैसा आपने अभी बताया कॉलेज को ही ला रहे हैं सर। मैं एक हम कॉलेज को एजुकेशन भी कॉलेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। जल्दी ही उसकी जमीन को अपने शिक्षा विभाग के नेतृत्व में। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर प्रशासन ने एआर टावर, मसूद कॉम्प्लेक्स, हमराज कॉम्प्लेक्स, नफीस टावर और अर्जुन कॉम्प्लेक्स में व्यापारी एसोसिएशन के 4 सदस्यों को जाने की इजाजत दे दी है। वहीं उनके साथ पुलिस अधिकारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान अंदर की वीडियोग्राफी की भी इजाजत दे दी गई है। तो आपको बताते चले कि कानपुर अग्निकांड की तस्वीरें भी लगातार प्राइम टीवी के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरीके से जो पूरा कपड़ा व्यापार था, जो पूरे कपड़े के व्यापारी थे, उनकी दुकानों में किस तरीके से आग लगी थी और तकरीबन ना जाने कितने घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो वहीं अब इस मामले को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया से लेकर डिप्टी सीएम तमाम लोगों ने व्यापारियों को ये कहा है कि जल्द से जल्द उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। वहीं अब इस मामले को लेकर जो व्यापारी संघ है कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा, व्यापारी एसोसिएशन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जा करके वीडियोग्राफी भी कर सकता है। नगर निगम गाजियाबाद की ओर से साल 2022-23 के कमर्शियल और गृह आवासीय कर की करदारों से बकाया भुगतान को प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया था और इस अभियान के तहत नगर आयुक्त नितिन गौर की तरफ से धरातल पर तेजी से काम हो रहा था। साथ ही नितिन गौर ने गाजियाबाद वासियों से अपील की है कि वो जल्द ही अपने बकाया कर को अब जमा कर दें। शामिल होते हैं, इट्स नॉट अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स अलोन। तो उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का 227 करोड़ का टारगेट था, जिसमें से 207 करोड़ की अचीवमेंट हुई है, जो लक्ष्य का लगभग 90% है।
और पिछले साल हमारी कलेक्शन 175 CR थी, तो इस बार पिछले साल के कंपेरिजन में 18% का इंक्रीज हुआ है। क्या अभी योजना आगे चलाई जाएगी और लोगों से लेंगे, कई सालों से लोगों ने जमा नहीं किए हैं, उनको क्या रियायत दी जाएगी और क्या कार्रवाई की जाएगी? जो हमारी छूट थी वो मार्च तक ही थी, अब 12% इंटरेस्ट चार्जेबल होगा। अंबेडकर नगर में सीएचसी के कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में सीएमओ ऑफिस का घेराव किया और कर्मचारियों ने गालीबाज चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीटी पर मारपीट का आरोप लगाया है। सीएचओ ने सीएचसी के कर्मचारी नितिन पटेल और विपिन कुमार पर एफआईआर दर्ज कर सारे इल्जाम सीएचओ के ऊपर ही लगा दिया है। वही आक्रोशित कर्मचारियों का कहना है कि चिकित्सा अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से अब निलंबित भी किया जाए। पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद जो सभी डॉक्टर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए हैं। संभल वासियों को हेल्थ एटीएम मशीन का तोहफा मिला है, यानी कि अब पीड़ित लोगों को जांच के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। बता दें कि गुन्नौर सपा विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव ने अपने विधायक निधि से सीएचसी गुन्नौर और राजपुरा में हेल्थ एटीएम मशीन को लगवाए हैं। सभी क्षेत्र के लोग अस्पताल में पहुंचकर 27 तरीके की जांच निशुल्क करा सकेंगे। इसी के साथ सपा विधायक ने मुगल इतिहास को हटाए जाने के मामले पर भी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। खबर कानपुर से है, जहां डीएम की अध्यक्षता में गठित टीम बिल्डिंगों का आकलन कर रही है, तो वही विशाख जी अय्यर ने बताया कि नुकसान का आकलन करने के लिए एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया गया है। इस मामले में केडीए के चीफ इंजीनियर और पीडब्ल्यूडी के भवन खंड के इंजीनियर जांच करेंगे कि बिल्डिंग को कितनी क्षति हुई है, साथ ही एक विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगे उन्होंने बताया कि आईआईटी के विशेषज्ञ भी बिल्डिंग की अब जांच कर रहे हैं। टीम के द्वारा एडीएम सिटी के साथ सुबह से ही हर एक भवन का भ्रमण किया जा रहा है और उसके जो जिन जिन फ्लोर में एनडीआरएफ के द्वारा एक्सेसिबिलिटी का क्लियरेंस दी जाती है, उस फ्लोर्स के में जाकर के इंडिविजुअली स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉब्लम है और किस हद तक डैमेज हुआ उसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाई गई है। उसके बाद हमारे और पुलिस आयुक्त महोदय और जॉइंट सीपी साहब के साथ हम लोगों ने भी एनडीआरएफ की टीम के साथ भ्रमण किया और जहाँ जहाँ जो फ्लोर में एनडीआरएफ की टीम ने क्लियरेंस दिया उस एरिया में जाकर के हम लोगों ने भी देखा कि किस लेवल तक स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है और किस लेवल तक जो जो सामग्री है जो दुकान में जो कानपुर के बांस मंडी में लगी आग के बाद नुकसान और बिल्डिंगों के क्षतिग्रस्त का जायजा लेने के लिए कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर और पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ने सभी बिल्डिंगों का निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने बिल्डिंगों को हुई क्षति के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया, तो वही निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। इस मामले में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का कहना है कि बिल्डिंग काफी डैमेज हो चुकी है, लेकिन टेक्निकल कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। दृष्टया हम अगर एक ओपिनियन दे दे, हम एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन प्रसन्न दृष्टया काफ़ी डैमेज बिल्डिंग लग रही है, लेकिन टेक्निकल कमेटी जिसमें वरिष्ठ एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो अपनी आख्या अभी प्रस्तुत करेंगे, तदनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो एक्सटेंसिव डैमेज है उसको एक अंदाज देने के लिए व्यापार मंडल से भी बात हुई थी, उनके जो प्रतिनिधि हैं और जो उनके द्वारा नामित व्यापारी हैं, उनके कुछ एक लोगों को अंदर एनडीआरएफ की टीम के साथ। खबर बुलंदशहर से है, जहां छतारी थाना क्षेत्र के गांव सिद्धपुर में चलाई जा रही फैक्ट्री में छापामार कार्रवाई की गई है। इस दौरान पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में पोटेशियम जैसी सामग्री, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड जैसे कई ज्वलनशील पदार्थ बरामद किए हैं। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जब कागजात मांगे गए तो वो फायर सेफ्टी एनओसी समेत कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिसके चलते सीओ भास्कर मिश्रा ने फैक्ट्री प्रबंधन को चेतावनी देते हुए फैक्ट्री तक बंद करा दी है। साथ ही कहा कि फैक्ट्री संचालक को संबंधित अधिकारियों के पास हाजिर होकर दस्तावेज दिखाने होंगे, तब तक इस फैक्ट्री को खोला जा सकेगा। मामला है, क्या यहाँ पाया गया?
देखिए छतारी में एक केमिकल फैक्ट्री का संचालन हो रहा था जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ पे मतलब कुछ कमियाँ हैं। इसी क्रम में छतारी पुलिस ने यहाँ पे आके जब मतलब जांच पड़ताल की तो उसमें पाया गया कि यहाँ पे बेसिकली इसमें यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट का प्रोडक्शन होता है और इनके पास लाइसेंस भी है, बट बहुत सारे अभिलेखी साक्ष्य जो होते हैं मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो लाइसेंसेस होते हैं उनकी पूर्ति यहाँ पे नहीं पाई गई है। तो एक जांच कमेटी बना दी गई है एसडीएम शिकारपुर के नेतृत्व। रायबरेली के दागंज थाना क्षेत्र के जलालपुर धई रेलवे क्रॉसिंग के पास एक महिला का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। बता दें कि लड़की के मायके वालों ने ससुराल जनों पर हत्या कर उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंके जाने का आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर अब उचित कार्रवाई किए जाने की भी बात कही है। पीलीभीत के थाना सोनगढ़ी क्षेत्र में जहां ई रिक्शा चालक को सिपाही ने लात घूसों से जमकर पीटा है, वह पीड़ित ने बताया कि वो अमरिया के बड़ापुरा से ई रिक्शा लेकर घर जा रहा था, तभी रास्ते में सिपाही ने उसे रोका और मोबाइल नंबर पर 2000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा। रुपए ट्रांसफर नहीं करने पर सिपाही ने ई रिक्शा चालक को बुरी तरीके से पीटते हुए घायल कर दिया जिससे वो बेहोश हो गया। बता दें कि पीड़ित ने राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के कार्यालय पर पहुंचकर अब न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं को पीड़ित के साथ पुलिस अधीक्षक के आवास पर भेजा, लेकिन गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने पीड़ित को अंदर नहीं जाने दिया, जिसके बाद राज्य मंत्री खुद एसपी आवास पर पहुंचे और घटना पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कार्रवाई करने का भी दिशा निर्देश दिया है। इन्हें करवला फाटक के पास जो है एक सिपाही ने रोका, रोकने के बाद जो मारपीट की, ये लैटरिंग करने गए थे नीचे तो उसकी बोतल वोतल में भी लात मार दी, इसे मारा भी बहुत है और जो है मारने के बाद में इसने किसी का नंबर दिया, उससे बोला कि 2000 रुपये ट्रांसफ़र कर दो, तो उससे मेरी बात हुई थी जिसके नंबर पर ट्रांसफ़र करने को बोला है, उसको लिख के आ रहा है विकास सिंह जबरदस्ती ले गया उधर झाड़ी की तरफ, वहाँ 2-4 लोग और बैठे हुए थे, फिर मांगने लगा पैसे नहीं देने पे उनने बहुत कुटाई लगाई हमारी। किसने कुटाई लगाई? वो पुलिस वाला था कोई, हम तो जानते नहीं उसको। कौन सी चौकी का मामला? चौकी अब तो उस पर कुछ होता पड़ हुआ तो आसाम भी हुआ ना, आसाम चौराहे का हिसाब में। औरैया में शिक्षिका के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया और विदाई समारोह में शिक्षिका के शिक्षण कार्यकाल की जमकर सराहना की गई है। विदाई समारोह में अपने संबोधन के दौरान छात्रा भावुक हो गई, वहीं समारोह में पहुंचे परिजन और रिश्तेदार के साथ बच्चे जमकर थिरके हैं। विदाई समारोह में विद्यालय स्टाफ के अलावा छात्र, ग्रामीण, शिक्षिका के परिजन और रिश्तेदार भारी संख्या में मौजूद रहे। वहीं औरैया जनपद के सदर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय जहुलिया में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। खबर सुल्तानपुर से है जहां आशीर्वाद हॉस्पिटल द्वारा कैंसर निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन बढ़िया वीर स्थित आशीर्वाद हॉस्पिटल परिसर में किया गया, जिसमें जनपद के सैकड़ों लोगों ने अपना परीक्षण कराने के लिए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वह मुख्य अतिथि के तौर पर लखनऊ से आधा दर्जन डॉक्टर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने आए लोगों का जांच और परीक्षण किया। वह इस कार्यक्रम के दौरान लगभग 400 लोगों का रजिस्ट्रेशन भी किया गया। कार्यक्रम है, ये एक मेडिकल कैंप है जिसमें सारी स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज का कैंप है, जिसमें जो है 60 डॉक्टर्स बैठे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जन, फिजिशियन और मानसिक रोग विशेषक, प्लस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। ये सुल्तानपुर की जनता को हमारा जो एक हॉस्पिटल शुरू हो रहा है लखनऊ में अलियंत्रा मेडिसिटी करके, उस जो हॉस्पिटल के अंतर्गत हम लोग ये कैंप कर रहे हैं सुल्तानपुर, जिससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है लखनऊ और सुल्तानपुर दोनों ही जगह सेवा का अवसर हमें प्रदान करें, जिससे हम आपकी अच्छी से सेवा कर सकें। सर ये शुरू किया है, पहली बार है, लेकिन ऐसा है कि आशीर्वाद चिकित्सालय और लायंस क्लब मिल करके प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर करते हैं। उसमें हम बेसिकली शुगर के, हार्ट के, ब्लड प्रेशर के मरीजों की स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जनता में भ्रांतियाँ हैं कि कोई यहाँ पर अपना मेडिकल चेकअप नहीं कराता, और गरीब आदमी तो मेडिकल चेकअप क्या, वो जब एकदम मरने के करीब होता तो इलाज सोच
करने की सोचता है। तो हम लोगों ने लायंस क्लब और हमारे चिकित्सालय के डायरेक्टर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कम से कम गरीब मरीज जो कि ECG है, शुगर है, इको है, ऐसे जो बेसिक। फरुखाबाद में देवी जागरण के दौरान घर में प्रसाद बनाते समय गैस सिलेंडर में भीषण आग लग गई, जिससे 4 वर्षीय बालक और एक वृद्धा की मौत हो गई और 16 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। इनमें 2 की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई के लिए रेफर कर दिया है। बता दें कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव भटासा के एक घर में देवी जागरण का कार्यक्रम था, जिसके लिए भोजन बनाया जा रहा था। उसी दौरान लीकेज गैस सिलेंडर में आग लग गई। घर में मौजूद लोगों ने आग बुझाने के लिए उसका पाइप खींचा, इससे आग ने और ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से 4 वर्षीय बालक समेत 2 की मौत हो गई है। कैसे क्या हो गई है? सर ये खाना हमारे घर में पूजा थी तो खाना बन रहा, तो सुबह टाइम 5:30 बजे जो भी सिलेंडर में आग लग गई है। उम्र कितनी आपकी? तो कितने लोग लगभग झुलस गए? 2 लोग तो खत्म हो गए हैं और 10-11 लोग घायल हैं। खत्म कर हुआ घायल वाले हमारे चाचा, चाची और चाची को नाती। क्या नाम था उनका? उनको कांति देवी और लड़का को नाम आर्यंत। तो आर्यंत ये दो लोग खत्म हो गए? हाँ ये दोनों बिल्कुल खत्म ही हुए। अच्छा घायल कौन कौन हुए? घायल सर अब हमने तो अंदर देखो ना, अब तो 11 लोग घायल हैं। सर अभी आप जिला अस्पताल पहुंचे हैं, कई झुलसे लोग आए हैं, कितने लोग हैं और क्या उनकी स्थिति है? इसमें मुझे जैसे ही सूचना मिली कि कायमगंज ब्लॉक के भटासा गाँव में कोई समारोह में, कोई दावत में कुछ खाना वाना बन रहा था, तो वहाँ पे सिलेंडर फटा है शायद, उसमें 10-15 लोग मतलब जले हुए थे। 2 साइड में कैजुअल्टी हुई है वहाँ पर। तो यहाँ पर लोहिया अस्पताल में 4 लोग आए थे, अनिल, नितिन, अनुज और अमरावती। अनुज और अमरावती लगभग 35% जले हुए थे, जिनको सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। बाकी 2 हैं जो 10-15% जले हुए थे, अनिल और नितिन, जिनको अपने भटासा है थाना छतकार में, जहाँ सुबह देवी जागरण का प्रोग्राम था, इसी में खाना बनाते समय 16 लोग आग से झुलस गए सिलेंडर में आग लगने से और 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। बेहतर इलाज के लिए 6 को सैफई रेफर किया गया है, शेष का इलाज नहीं चल रहा है। उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें चिकित्सीय सुविधाएं हैं और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। शेष कुशलता है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और सभी कार्रवाई की जा रही है। सर क्या नाम है आप और किस विभाग किस पद पे हैं? मैं अनिल कुमार, कांस्टेबल, प्रेजेंट पोस्टिंग पुलिस लाइन अलीगढ़। अच्छा, तो आज जो अभी घटना हुई वो किस गांव में हुई और क्या घटना हो गई? इस समय मैं उपार्जित अवकाश पे चल रहा हूँ। मैं अपनी ससुराल में पूजा जागरण था इनके घर पे। कहाँ ससुराल आपके? भटासा में। अच्छा, कायमगंज में? कायमगंज भटासा में ससुराल है हमारी, तो जागरण था। जागरण में इन लोगों ने बुलाया था पूरे परिवार को, सभी नाते रिश्तेदारों को। हम उसमें आए अपने परिवार के साथ। परिवार के साथ आने पर जब सुबह हवन चल रहा था, गाजियाबाद में महर्षि कश्यप जयंती के मौके पर रामलीला ग्राउंड के अंदर एक महाकुंभ का आयोजन किया गया, जो कि यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप की ओर से किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के मिलाकर लगभग 50,000 के करीब लोगों के आने की संभावना है। तो वही मुख्य अतिथि के तौर पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। 5 अप्रैल को गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ का बड़ा आयोजन किया जाना निश्चित है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी सहित देश और प्रदेश के बड़े नेताओं का आगमन होने वाला है। महाकुंभ की तैयारी व्यापक स्तर पर चल रही है। मुझे आशा है कि इस महाकुंभ में 50,000 अनुयायी सम्मिलित होकर महाकुंभ को कामयाब बनाने वाले हैं। कितने लोग संख्या? गाजियाबाद के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड से भी हजारों समर्थक इस आयोजन में पहुंचने वाले हैं। मुझे लगता है कि 50,000 अनुयायी इसमें सम्मिलित होंगे।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश भर की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।